गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी करीब 9:30 बज रहे हैं और आज है 16 जून और आज है संडे। तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और मुझे कमेंट से लिख के जरूर बताना कि आप सभी लोग कैसे हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी। 9:30 बज रहे हैं, हमारा नाश्ता है वो हो चुका है और कुछ आवाज़ आ रही होगी तो पापा जी भी बैठे हुए हैं, मम्मी बैठी हुई है और मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, तो कुछ बातें कर रहे हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने कद्दू को भी कट कर लिया है और ये प्याज है वो भी बारीक बारीक कट कर लिया है, धनिया कट कर लिया है, हरी मिर्ची और ये अमिया होते कच्चे आम वो कट कर लिए थोड़ा सा। और ये है हरा नमक मिर्च, जो घर में मम्मी बनाती है सिल्क से पीस कर, तो इसका यूज करेंगे आज हम इसमें। तो चलिए कद्दू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मौसम में ठंडा सा हो चुका है, कल बहुत गर्मी थी लेकिन आज सुबह से ही ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और आज संडे था तो मैंने हेयर भी वॉश किया है, नेल पेंट अभी लगानी है रिमूव करके ये वाली, और मैंने ये साड़ी पहनी है आज। और सब्जी बन जाती है कद्दू की सब्जी, उसके बाद और काम करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। साथ में पराठे या पूरी बहुत ही अच्छी लगती है तो इसलिए मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। और मैंने एक तरफ उड़द की दाल है वो चढ़ा दी है लंच के लिए, और कद्दू भी सब्जी लंच के लिए ही है लेकिन अभी हम लोग खा लेंगे थोड़ा थोड़ा पराठे के साथ में कद्दू, और फिर लंच के टाइम पे उड़द की काली वाली दाल और कद्दू की सब्जी हो जाएगी। तो रोटियां बना लेंगे, अभी पराठे बना लेते हैं। और कद्दू की सब्जी के साथ पराठे या पूरी ही अच्छी लगते हैं। आप लोग जरूर बताना कि आप लोग कद्दू की सब्जी के साथ
क्या खाना पसंद करते हैं, पूरी या पराठे या रोटी? मुझे तो पराठे अच्छे लगते हैं और पूरी भी, तो फटाफट बना लेते हैं पराठे। गाइस अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं जा रहा है, तो मम्मी और मेरे हस्बैंड और दीदी साइज देख रहे हैं और आधा इधर खेल रही है। और मौसम को देखकर लग रहा होगा आपको कैसा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है। बहुत तेज बारिश हुई थी नीचे मेरे आंगन में, जो नीचे चाची सासू माँ रहती है नीचे वाले फ्लोर पे, तो वहाँ पे पानी भर चुका था आंगन में। काफ़ी तेज बारिश हुई थी कि पानी स्टोर होने लगा था आंगन में। तो और आज मैंने और दीदी ने मिलकर इस वाले हॉल का थोड़ा सा अरेंजमेंट इधर उधर किया है, जैसे कि कूलर तो अपनी जगह पे है लेकिन मम्मी की सिलाई मशीन उस तरफ लगा दी है, सोफा इस तरफ कर दिया है पास में, बाद में चेयर रख दी है और ये बेड इस तरफ कर दिया है। और जो ये बेड है, तो फ्रेंड जो ये बेड है वो उस तरफ पड़ा था जहाँ पर सोफा है, इस जगह पर बेड था, और जहाँ पर ये बेड अब हो गया है इस जगह पर सोफा था। तो थोड़ा सा चेंज कर लिया है और चेंज करना चाहिए, चेंज करते करते अच्छा लगता है। और ये काला जी की फोटो बहुत अच्छी लगती है मुझे, है ना? और आध्याय मेरे पास आध्या, आज बारिश हुई थी बहुत तेज। आपको राधा, आपको काला जी किसने बनाया था? बुआ ने काना जी बनाया था। अच्छा, आपको बाबा ने भी प्यार किया था? किया था। तेज बारिश हुई आज बहुत तेज, और बारिश आने से पहले बहुत तेज आंधी तूफान से आया था। मम्मी ने ऊपर छत पे गेहूं डाले थे धुलकर सुखाने के लिए, और अचानक से इतनी तेज बारिश, इतनी बारिश का मौसम बना और बहुत जोर जोर की आंधी आई। जब हम लोग गए ऊपर छत पे गेहूं उठाने, तो मैं गई, दीदी गई और मेरी चाची सास भी गई, मेरी सासू माँ, सभी चारों लोग मिलकर गेहूं को समेट रहे थे क्योंकि बहुत तेज आंधी आ रही थी कि गेहूं भी उड़े जा रहे थे। तो जल्दी समेट समेट कर भर दिया बोरी में, जो जिसने आटा पीसने जाता है वहाँ चक्की पर, उसे भर दिया और फिर नीचे लेकर आ गए।
भी तेज काली घटाएं उठ रही थी, बहुत तेज धूल का ढेर चला रहा हो ऐसा लग रहा था। और उसके ठीक आंधी के ठीक 10 मिनट बाद बहुत जोरों शोरों की बारिश हुई थी। और करीब 4:30-4 बजे का टाइम था वो, और अभी 7:30 बज रहे हैं और मौसम कितना प्यारा हो चुका है। हाँ, लाइट जा चुकी है, अभी आई थी थोड़ी देर बाद, फिर आ जाएगी, लेकिन मौसम बहुत प्यारा हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा है। अभी शाम का टाइम है, डिनर की तैयारी हो रही है और यहाँ पे मैं सिल से प्याज को पीस रही हूँ। सब्जी जो बनने वाली है वो दीदी बनाने वाली है कुकर में, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसलिए मैंने सिल से प्याज पीस दिया है केवल, और सब्जी को तड़का दीदी देंगी। तो आज की जो सब्जी है वो प्याज आलू टमाटर की इंस्टेंट बनने वाली, जल्दी से कुकर में बनने वाली सब्जी है। और सुबह मैंने बनाई थी उड़द की दाल और उसको मैंने फ्राई किया था, लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं फ्राई किया था, इसलिए अभी शाम को फिर से वो थोड़ी सी दाल जो बच गई है उसको फिर से फ्राई कर देंगी दीदी, और फिर हम लोग का यही हो जाएगा डिनर। वीडियो को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।